सबसे पहले हम लोग कटाकट बनाएंगे सर भाई। क्या बनाओगे? कटाकट। इस शो का नाम कटाकट है ना? अच्छा अच्छा, तो कटाकट में हम कटाकट बनाते हैं सब। बनाओ बनाओ। तो मैं खाता नहीं भाई, कटाकट नहीं खाते। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। बस सही है, नाम बहुत अच्छा रखा है कटाकट। कटाकट ना, तो कटाकट शो। अब सबसे पहले हम कॉल करते हैं। अच्छा, ये जो कॉल है ये एहसन ने, इनके दोस्त हैं कोई, उन्होंने नंबर दिया। ओके। और मसला ये है इनका कि इनके इंटरनेट की कंप्लेन है, जो ये बड़े अरसे से करा रहे हैं लेकिन इंटरनेट इनका सही नहीं हो रहा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कॉल की जानिब से बात कर रही हूँ। आपने क्या इंटरनेट की कोई कंप्लेन लिखवाई थी? जी जी बिल्कुल, मैंने लिखवाई थी जी। क्या आप मुझे कंप्लेन फिर से दोहरा सकते हैं? कंप्लेन यही है, मेरा नेट जो है वो आ नहीं रहा पिछले 3 दिन से। अच्छा अच्छा, बीच में आ रहा है या पूरे पूरे दिन नहीं चल रहा? नहीं, बीच में आ रहा था, फिर वो उसके जो साइड का सिग्नल है ना, वो जो 5 दाने बने हुए होते हैं उस पर डंडी आ जाती है बनी। 5 दाने? ओके। और ये दूसरा बताइएगा, वैसे जो 2-3 घंटे चलता है वो सही चलता है? सही क्या चलता है, बस पता नहीं, अजीब ही है। आपने कंप्लेन कितनी मरतबा की है? कंप्लेन तो मैंने 4 दफा करवाई है। इनसे इनसे ये पूछे ना, जरूरत किस लिए? जरूरत किस लिए है वैसे आपको, क्या करना चाह रहे हैं आप? इंटरनेट की क्या जरूरत है? यूज कर रहा हूँ मैं, देख रहा होता हूँ वीडियो। ठीक है सर, मैं अभी टेक्नीशियन को ट्रांसफर करती हूँ, आप प्लीज उनको अपनी कंप्लेन दोहरा दे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हेलो। हेलो, हाँ भाई, क्या मसला क्या भाई? भाई ये बताओ, इंटरनेट वाले हो, पान वाले हो, आवाज तो तुम्हारी देखो। अबे काम करवाने हैं, बातें ताने मारने? सॉरी भाई, माजरत चाह रहा हूँ, वहाँ पे आप लग रहे ऐसे थे मेरे को, तो इसलिए बोल दिया। चलो कोई नहीं, वो सबको लगता है यार। अच्छा क्या मसला क्या भाई इंटरनेट का, बताओ। भाईजान मसला ये है कि वो जब मैं चला रहा होता हूँ कोई, तो वीडियो देख रहा होता हूँ, डंडी आ जाती सिग्नल के ऊपर। 5 दाने बने होते ना, वो छतरी बनी भी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके साइड पे डंडी आ जाती है, वो तो कनेक्ट नहीं हो रहा होता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी सामने है कंप्यूटर तुम्हारे? ना, मेरे सामने पड़ा हुआ है। हाँ, ये खोलो उसको। चूहा कहाँ है? है? चूहा क्या? चूहा है, चूहा, चूहा तार वाला बटन जो होता है यार, चूहा है। अच्छा वो हाँ, माउस को बोलो ना, माउस जो है। हाँ हाँ, वही वही माउस, माउस 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 हिलाओ। हिला रहा हूँ, टेक भी कर रहा हूँ। हाँ, ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप खुला है, सामने स्क्रीन खुली है। हाँ स्क्रीन खुली हुई है। जाओ मेरे कंप्यूटर पे, जाओ मेरे कंप्यूटर पे। हाँ मेरे कंप्यूटर पे, मेरे पे ही हूँ मैं, और किस पे हूँ? तो तुम्हारे पे थोड़ी हूँ, पागल हो गया भाई। मेरे कंप्यूटर पे जो सामने बना हुआ है छोटा सा कंप्यूटर, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे ऊपर छत पे मेरा कंप्यूटर है। अच्छा अबे यार, माय कंप्यूटर को कहो ना। हाँ हाँ, जा जा वहाँ पे, जा भाई जल्दी जा। चलेंगे आप फिर। हाँ, इस पे वो उल्टे वाला दाहिने उंगली वाला बटन जो होता है ना, वो दबा। अबे अच्छा, माउस को उल्टे हाथ का दबा दिया ये? हाँ, दबाओ दबाओ, और दबा दिया। हाँ इसको मार देंगे, बता रहा हूँ। कितना दबाओगे ये, इसकी तो चटनी निकल जाएगी, दबा रहा तो हूँ। इसकी जायदाद में हो? है जायदाद में, जायदाद में वाला लिखा है ना, जायदाद नीचे, जायदाद क्या होता है वो, उसको क्या बोलते हैं यार? प्रॉपर्टी यार, हम लोग कराए पे रहते हैं भाई, जायदाद। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में है उसकी, जायदाद में। तुम सारी उर्दू में बता रहे हो चीजें, इधर इंग्लिश में बोलो ना आसानी से। अच्छा जायदाद में आ गया, खोल ली जायदाद, अब नाम करवा लूं अपने में? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया यार, एक काम करो। सख्त डिस्क कितनी बड़ी है? डिस्क मेरी, डिस्क अल्लाह का शुक्र है सही है मेरी, कभी स्लिप नहीं हुआ मैं जिंदगी में भी। नहीं सर, ये आपकी हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, उसकी कैपेसिटी क्या? अच्छा, है हार्ड डिस्क यार, एक तो ये पता नहीं शख्स इंग्लिश में नहीं बोल रहा है, तो अगर बोलेंगे तो समझ लेंगे क्या आप? छोड़े उर्दू में बोल रहे हैं, समझने दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी जो सेल्स रेप है वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक नया पैकेज अनाउंस हुआ है, तो पहले आप वो समझ लीजिए, इसके बाद हम आपकी इस डील पे बात कर लेंगे। प्लीज मैम बताइएगा जरा इनको। सर आप शायद मेरे टेक्नीशियन को अपनी सही प्रॉब्लम्स नहीं बता पाए, आप प्लीज इनको बताइए कि इनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने वो बोल रहे डिस्क, डिस्क कितनी है? मैंने कहा मेरी डिस्क वही है। सर देखें, ये अकल की बातें होती है, हार्ड डिस्क आप समझे, अब टेक्नीशियन हमारे पढ़े लिखे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आपसे आप मुझे कम अकल कह रही हैं अपने कस्टमर को।
सर मैंने आपसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा, फजूल में नेगेटिव चीजें ले रहे। सर खैर छोड़े, मैं आपको अब नया पैकेज बता रही हूँ, मेरी बात सुने। कॉल की जानिब से एक नया पैकेज आया है आपको। इन्हें जाना पड़ेगा हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद सर, लेकिन आप बात सुन ले तो आपके बहुत आपके मसाइल हल हो जाएंगे। थोड़ी देर इजाजत दीजिए, बात सुन लीजिएगा जरा, ठीक है सर? वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी वेरी सॉरी सर। ये खामा खामे इनको आदत है अरीशा को, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं आपको अपने सीईओ के पास ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो आपको बताएंगे। कच्चा किला के पास एक छोटी सी गली है, उस गली के दाहिने तरफ एक बड़ा सा लंबा सा ऑफिस है, उसके पांचवें फ्लोर पर जो छठा कमरा है, उस छठे कमरे के अंदर एक आदमी बैठा है, वहां जाके उससे बात कर लीजिए। और उससे बात करने के बाद सिर्फ वो कह रहे हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं कि आपने चूहे पे तशद्दुद करके उसे मार दिया है। सर चूहे का ख्याल रखें। मैंने आज तक नहीं मारी, मैं छिपकली नहीं मारी, मैंने चुनटी नहीं मारी, चूहा तो फिर भी उनसे बड़ा होता है। सर देखे आप मुझे कोई लग रहे हैं कोई बता दे सर, आप बहुत ही कोई सीधे और मासूम इंसान, बहुत अच्छे आदमी और बहुत अच्छे आदमी हैं आप। मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, आपने बदतमीजी की है। सर कंप्लेन किसको करेंगे सर? कॉल से थोड़ी कॉल कर रहे हैं हम आपको, कटाकट शो से कॉल कर रहे हैं, बोल एंटरटेनमेंट पे। इस वक्त आप लाइव हैं या आपका शो में प्रैंक कॉल थी और कुछ नहीं था? अरे यार तुम लोग कसम से मैं तो समझा पता नहीं क्या ये लोग उर्दू में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ साहिर लोधी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारे सीईओ थे बन के जो आपसे बात कर रहे थे। साहिर भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? सॉरी आपके साथ थोड़ा। मैं बहुत आपका फैन हूँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जो है वो, मैं तो पता नहीं क्या समझ लिया, मतलब बदतमीजी कर रही है इंटरनेट वाले। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर सच अ बीइंग सच अ सच अ वंडरफुल स्पॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तुम लोग सॉरी बोली तो नहीं हो? नहीं नहीं हम सॉरी हैं। हुजूर की बातें कर रही हो तो बिल्कुल भी सॉरी। यही बोला ये तो प्रॉपर खेल रही थी उनके साथ डायरेक्टली। अच्छा सोचो भाई हैदराबाद चले जाते हम लोग फोन रख देते। अरे इतनी सीधे बहुत थे, वो हर बात सुन भी रहे थे। अरे लास्ट दफा हमने एक साहब के साथ कंप्लेन की थी, उनका भी इंटरनेट का मसला था, उनको पहुंचा दिया था, वो आखिर में गालम गलोच पे आ चुके हुए थे, मतलब इस लेवल पे आ चुके थे वो। तो ये तो फिर बहुत शरीफ बनेगा ना, आई लव यू, बहुत शरीफ इंसान थे, मासूम तरीके से बात। खैर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।